अंकल जी। ठीक है Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. आज का दिन मेरा लेट स्टार्ट हुआ है और अभी 12:35 हो रहे हैं और सुबह मैंने क्या किया, छोटी सी क्लिप्स है वो आप देखो। ऐसा कुछ नहीं है, आपने देख ही लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैंने कुछ खास किया हो। बस मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मेरे से सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हो रही थी 3 दिन से। खासकर जब से ये व्लॉग वगैरह स्टार्ट करें तो मैं नींद अराउंड 3-4 आवर्स की बस नींद ले पा रहा हूँ, उसके बाद मेरा काम इतना होता है। अभी भी मैं असाइनमेंट करना स्टार्ट करूँगा तो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और आपने ये सेकेंड व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि और वो अभी चल ही रहा है, तो इसलिए मैं रोज़ अब वो चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता। और आज शायद कोलैबोरेशन डे है, आज मैं कोलैब करने वाला हूँ। मेरे पास अभी उसकी कॉल आ गई है गर्वेश की और मैं जा रहा हूँ अभी। वैसे दिक्कत होती थी पहले, यूँ सोचता था कि डेली व्लॉग्स में क्या करूँगा, बट अब कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने आप हो जाती है। तो एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि जब भी आप कुछ सोच रहे हो करने की तो करो, रास्ते अपने आप खुलने लग जाते। अभी टाइम हो रहा है 5:36, मेरे को 45 पे निकलना है, पैक करना है, सारी पैकिंग करनी है, शूज पहनना है और फिर बाइक वगैरह निकालनी है। मिलते हैं फिर वहाँ पे, वहीं पर शूट पे। अभी नई स्कूटी ली थी। ठीक है अंकल जी, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अंकल ने नई स्कूटी ली थी, मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि अंकल का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था साइड में ही, तो बच गए अंकल, बचाव हुआ, ज़्यादा नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा। वैसे उनकी शायद टांग में थोड़ा सा ऐसे लंगड़ा के चल रहे थे तो शायद टांग में थोड़ी सी लगी हो, बट ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं अभी रास्ते में ही था, मैं जा ही रहा था उधर। सारी रेसेस पूरी हो गई, अब मैंने अपना केकड़ा भाई निकाल लिया है, ये है। ये है हमारे केकड़ा भाई और अब हम शूट करेंगे स्टंट्स। कर ली शूट, थैंक यू भाई, पूरा शूट बता दिया इसने, पूरा शूट इस भाई ने बता दिया, सारा बता दिया, सारी लाइनें बोल दी ना। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैनल नाम तो बता दो भाई पहले। चैनल का नाम यार ये इतना लिखा हुआ भाई भी फिल्म्स। हाँ तो आज इन सब भाई के साथ आए थे हम ड्रैग रेस शूट करने, ये आपने देख लिए स्टंट करते हुए, और ये सारे पीछे थे, ये गर्वेश के पीछे थे। Behind the scene. तो मैं वहाँ से आ गया हूँ और ड्रैग रेसेस वगैरह पूरा कोलैब बहुत अच्छे से हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, बट जो ड्रैग रेसेस की वीडियोज़ हैं वो
बाद में आएंगी, उसका अभी कुछ डेटा मेरे पास है, कुछ डेटा गर्वेश के पास है, तो वो भी सारा हम करेंगे कलेक्ट आपस में। उसके बाद 3 वीडियोस बननी है उन डेटा में से, बट बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, काफ़ी फ्रेंडली लोग थे। और जो स्टंट थे आशु, वो जो R15 पे जो जिस भाई ने स्टंट करे थे, नेक्स्ट लेवल भाई। कुछ कुछ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, वो उसने कब कर दी जल्दी पता नहीं चला, मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था। स्टॉप ही तो उसने मारी थी इतनी अच्छी, और उसने विली भी बहुत अच्छी अच्छी मारी थी। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी देखेंगे, कुछ नया और ट्राई करेंगे। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कोई लाइक करता है ना, जब लाइक्स आते हैं, होता कुछ नहीं है बस मोटिवेशन और काम करने की, और वो मिलता है कि क्या कहते हैं मोटिवेशन, ये काइंड ऑफ के मोटिवेट होता हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं और करूँ। थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मेरे को, क्योंकि मेरे थोड़ा सा पता नहीं कुछ हैवी सा हो रहा है फॉरहेड वगैरह के, थोड़ा फीवर जैसा हल्का सा, बट वो है नहीं, थकान की वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही मेरी काफ़ी दिनों से इसीलिए। तो लाइक कर दो यार अच्छी लगे तो, बस वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।